वक्फे वक्फे से तेज बारिश, कोट लखपत, कादियाजम इंडस्ट्रियल स्टेट समेत रायबंड, जाति उमरा और ठोकर न्यास बेग के इलाकों में सड़कें जलथल हो गईं। काली घटाओं और ठंडी हवाओं से फिजा में खुनकी का एहसास भी बढ़ गया। पाक श्रीलंका क्रिकेट मेला मैदान सजने को तैयार, T20 सीरीज के आगाज में एक रोज बाकी। सीना सफर शाहीन और लंकन टाइगर्स लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तानी स्क्वाड सख्त सिक्योरिटी में PC होटल मुंतकिल। वजीर आला का 10 साल बाद जिंदा दिल लाहौर में श्रीलंका टीम की आमद पर इजहार मुसर्रत। वजीर कानून के जेर सदारत सिक्योरिटी, ट्रैफिक, पार्किंग के मजबूत इंतजाम का जायजा लिया। सीरीज के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हंगामी अस्पताल भी कायम। FC कॉलेज भी 7 से 9 अक्टूबर तक बंद रहेगा। नन्हे लाहौरिये भी पाक श्रीलंका T20 सीरीज के लिए पुरजोश। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के आगाज पर खुशी का इजहार। बाबर आजम को पसंदीदा क्रिकेटर करार दे दिया। क्रिकेट सीरीज पर तालिबात का जज्बा भी दे दी। लड़कियों ने पसंदीदा खिलाड़ियों की तवील फहरिस्त पर निगाह करेंगी। जिले इंतजामिया का नेशनल हॉकी स्टेडियम में कंट्रोल रूम का कायम। कमिश्नर आसिफ अला लोधी का स्पोर्ट्स बोर्ड का दौरा। इंतजामात पर DG स्पोर्ट्स की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर शमसान बुखारी भी शरीक। DC मोहम्मद असगर जोया ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया और कैमरों की कारकर्दगी को चेक किया। पांच अक्टूबर को पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका पहला T20। कौसल आजम रोड पर डायवर्जन, ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए इजाफी वार्डन्स भी तैनात। मैचेस के दौरान मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, MM आलम रोड, केनाल रोड, फिरदोस मार्केट, कलमा चौक से बरकत मार्केट ट्रैफिक रवा रहेगी। MD LWMC ने कजाफी स्टेडियम के तरफ सफाई के कामों का भी जायजा लिया। डेंगू अटैक मजीद संगीन। 24 घंटों के दौरान मजीद 9 लाहौरियों में वायरस की तस्दीक। मर्ज में मुब्तलाओं की तादाद 155 हो गई। पंजाब के दीगर अजला के अस्पतालों में भी 197 केस रिपोर्ट। 509 मरीज जेरे इलाज हैं। DC लाहौर इंसदादे डेंगू के लिए मुतहरिक। DC असगर अली जोया ने लॉरेंस रोड से मुल्हिका आबादी में पैम्फलेट तकसीम किए और लाहौर यूनिवर्सिटी तालिबात को आगाही लेक्चर दिया। DC के गंगाराम अस्पताल डेंगू वार्ड भी आमद। मरीजों से दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 1,447 लार्वा की तस्दीक। 116 FIRs दर्ज कर ली। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का MIT के खिलाफ आखिरी हद तक जाने का ऐलान। न्यू अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलायंस का KPK में डॉक्टर्स पर तशद्दुद की भी मुसम्मत। लेस्को की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का फैसल चौक पर एहतजाज। इदारे की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन की शदीद नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहरे से मॉल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ताजिर बचाओ मार्च पर ताजिर बरादरी तकसीम। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मसूद भट्ट की जेर सदारत इजलास। 100 से ज्यादा ताजिर रहनुमाओं ने मार्च में शिरकत से इनकार कर दिया। निजी स्कूल्स के खिलाफ इजाफी फीसों की शिकायत। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास 5 अक्टूबर को तलब। 5,000 से ज्यादा फीस लेने वाले 81 स्कूलों को नोटिस पर भारी जुर्मानों का इम्कान। इजलास में अमेरिकन लाइसेटर स्कूल में बच्चे की हलाकत पर रजिस्ट्रेशन मनसूखी के बारे में भी हतमी फैसला होगा। कम से कम स्कीम का तखमीना 5 लाख, मगर UC काउंसिल के पास अखराजात की हद सिर्फ 1 लाख। ब्यूरोक्रेसी के पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम पर तहफ्फुजात। 4 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में तातुल का खदशा। महकमा बल्दियात का एतराजात पर इजलास बुलवाने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन की हरधर्मी के सबब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 की तश्कील में ताखीर। बल्दियाती इदारों की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा खटाई में पड़ गया। पंजाब असेंबली PAC 3 के कयाम की अमलन मंजूरी दे चुकी है।
बच्चों से ज्यादती के बढ़ते घिनौने जराइम के सदेबाप का चैलेंज, पुलिस एहलकारों को जदीद तफ्तीश के रमूज से आगाह करने के लिए ज्यादती मुकदमा की तफ्तीश का खसूसी निसाब पढ़ाने का फैसला, आईजी पंजाब ने हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब के लिए पेश कर दिया, ताजरों और सनअतकारों से खिताब में कहा कि मैं खुद भी एहतसाब के लिए हाजिर हूँ, नैब ने अपनी हदूद से कभी तजावुज नहीं किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो अवाम दोस्त इदारा है, बोले पैनामा लीक्स के दीगर केसेस भी चल रहे हैं, जो पहले आया वो पहले निमट गया। मजीद कहा कि आज तक किसी ताजर के बारे में कोई शोकिया केस नहीं लिया, ताजरों की जो भी मदद हो सकेगी करेंगे। एलडीए सिटी मंसूबे पर अहम पेशरफ, नैब ने तरक्याती कामों की रिपोर्ट मांग ली। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फिजिकल डेवलपमेंट वर्क, एक्वायर की गई अराजी और फाइल होल्डर्स की तादाद समेत डेवलपमेंट पार्टनर्स को की गई अदायगियों की भी तफसीलात तलब कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज से मुलाकात का दिन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वालिदा बेगम शमीम, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर अहले खाना की कोर्ट लखपत जे आमद। शरीफ खानदान ने दोपहर का खाना साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मरियम नवाज के साथ खाया। साबिक वज़ीर-ए-आला की लैपटॉप स्कीम भी तहकीकात के घेरे में, पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन ने हायर एजुकेशन से स्कीम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा एचईसी 5 अरब की स्कीम की ऑडिट रिपोर्ट समेत दीगर जरूरी दस्तावेजात तलब कर दी। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के 3 डायरेक्टर्स ओहदे से मुस्ताफी, डायरेक्टर्स की तैनाती के खिलाफ SECP में दरख्वास्त दायर थी। आशियाना स्कैंडल के दूसरे अहम गवाह अहमद जुनेद भी नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। लाहौरियों के लिए सस्ती बिजली, सोलर कंपनीज के मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स में इजहार दिलचस्पी, सरमायाकारी बोर्ड इजलास में वजीर सनत असम इकबाल ने कंपनी से काबिल अमल प्लान मांग लिए। इजलास में वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं भी शरीक हुए। गोल्ड बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई, 900 रुपये फी तोला इजाफे से 24 कैरात फी तोला सोना 87,250 रुपये का हो गया। सदर मुमलिकत का दौरा लाहौर, आरिफ अलवी से मुलाकात में वजीर आला की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सरदार उस्मान गुजार ने सदर मुमलिकत को अवामी फलाह के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। वजीर सेहत ने सदर मुमलिकत को सेहत सहूलियात बारे इकदाम से भी आगाह किया। पीएचए में भी इस्लाहात, मुशीर वजीर आला पंजाब आसिफ महमूद की सरबराही में पीएचए लाहौर कोर कमेटी पंजाब और लीगल टीम का मुश्तरक इजलास। लीगल एडवाइजर शेख वकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। और क्लब क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, ओटीसी लाहौर चैलेंज कप की तैयारियां अरूज पर, टूर्नामेंट में तीनों सिटी एसोसिएशन के 64 क्लब हिस्सा लेंगे। ओटीसी हेड ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में चैलेंज कप की तैयारियों से मुतल्लिक अहम फैसले। तोला इजाफे से 24 कैरात फी तोला सोना 87,250 रुपये का हो गया। सदर मुमलिकत का दौरा लाहौर, आरिफ अलवी से मुलाकात में वजीर आला की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सरदार उस्मान गुजार ने सदर मुमलिकत को अवामी फलाह के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। वजीर सेहत ने सदर मुमलिकत को सेहत सहूलियात बारे इकदाम से भी आगाह किया। पीएचए में भी इस्लाहात, मुशीर वजीर आला पंजाब आसिफ महमूद की सरबराही में पीएचए लाहौर कोर कमेटी पंजाब और लीगल टीम का मुश्तरक इजलास। लीगल एडवाइजर शेख वकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। और क्लब क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, ओटीसी लाहौर चैलेंज कप की तैयारियां अरूज पर, टूर्नामेंट में तीनों सिटी एसोसिएशन के 64 क्लब हिस्सा लेंगे। ओटीसी हेड ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में चैलेंज कप की तैयारियों से मुतल्लिक अहम फैसले। तोला इजाफे से 24 कैरात फी तोला सोना 87,250 रुपये का हो गया। सदर मुमलिकत का दौरा लाहौर, आरिफ अलवी से मुलाकात में वजीर आला की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सरदार उस्मान गुजार ने सदर मुमलिकत को अवामी फलाह के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया।
وزیر صحت نے صدر مملکت کو صحت سہولیات بارے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ پی ایچ اے میں بھی اصلاحات، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود کی سربراہی میں پی ایچ اے لاہور کور کمیٹی پنجاب اور لیگل ٹیم کا مشترکہ اجلاس، لیگل ایڈوائزر شیخ وقار نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی۔ اور کلب کرکٹ کا بڑا مقابلہ، او ٹی سی لاہور چیلنج کپ کی تیاریاں عروج پر، ٹورنامنٹ میں تینوں سٹی ایسوسی ایشن کے 64 کلب حصہ لیں گے، او ٹی سی ہیڈ آفس میں منعقدہ اجلاس میں چیلنج کپ کی تیاریوں سے متعلق اہم فیصلے۔ تولہ اضافے سے 24 کیرات فی تولہ سونا 87,250 روپے کا ہو گیا۔ صدر مملکت کا دورہ لاہور، عارف علوی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ کی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ، سردار عثمان گلزار نے صدر مملکت کو عوامی فلاح کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر صحت نے صدر مملکت کو صحت سہولیات بارے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ پی ایچ اے میں بھی اصلاحات، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود کی سربراہی میں پی ایچ اے لاہور کور کمیٹی پنجاب اور لیگل ٹیم کا مشترکہ اجلاس، لیگل ایڈوائزر شیخ وقار نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی۔ اور کلب کرکٹ کا بڑا مقابلہ، او ٹی سی لاہور چیلنج کپ کی تیاریاں عروج پر، ٹورنامنٹ میں تینوں سٹی ایسوسی ایشن کے 64 کلب حصہ لیں گے، او ٹی سی ہیڈ آفس میں منعقدہ اجلاس میں چیلنج کپ کی تیاریوں سے متعلق اہم فیصلے۔ شہر کے موسم کے حوالے سے، شہر کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی، شہر میں بارش کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ جی بالکل، موسم خوشگوار ہو گیا ہے، سردی بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے جو کہ کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ سعدیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ سعدیہ خان بتائیے گا۔ جی ہاں، شہر لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں تو خوبصورت موسم کے لاہور میں ڈیرے ہیں۔ صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا